पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पागवाड़ा की किस्मत नहीं सवर सकी, जहां आए दिन जलभराव व गंदगी से नगरवासियों में काफी गुस्सा है। गांव से बना कस्बा नगर पंचायत पागवाड़ा, लेकिन किस्मत नहीं हुई मेहरबान। पहली बार नगर पंचायत बनने पर जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि नगर की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चुनाव से पहले सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, किंतु वे सिर्फ कहने के लिए थे, करने के लिए नहीं। जैसे कि योगी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन पागवाड़ा में सड़क पर गड्ढों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी गुस्सा है। और इसी को लेकर आज हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया। बारिश हो जाती है, बारिश में यहाँ का पानी रुक जाता है और यहाँ वातावरण जो है आना जाना इसमें बाधा पड़ती है और ये गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं। अगर पानी का निकास अगर हो तो वो हो जाएगा हमारा चेयरमैन, जबकि हमारा चेयरमैन बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की, एमएनसी बीजेपी का और सांसद बीजेपी के हैं। हमारे सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी ये बात हमारी समझ में नहीं आ पाती कि सरकार पैसा नहीं दे रही है या ये काम नहीं कराना चाह रहे इस बात में। अब देखिए आप, ये गड्ढा अगर ये टूट जाएगी और बीच में टूट जाएगा तो अगर ये जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान है, जनता का भी नुकसान है और इनका भी नुकसान है। आगमन को बड़ी भारी पड़ता है इसमें। आवाम इतनी परेशान है, वे साहब जाते चेयरमैन साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पागवाड़ा थाने जाइए, थाने के पास जाते हैं तो थाना कहता है पीडब्ल्यूडी का काम है। अब बताइए कहाँ जाए, आम आदमी कहाँ तक पहुँच कर सकता है? ना तो वो डीएम तक जा सकता है, ना लखनऊ जा सकता है योगी जी के पास। तो आम आदमी हमेशा और हर हाल में परेशान रहता है। यहाँ गड्ढे देगी, सब्जी जाती है यहाँ से, मंडी माल जाता है, चावल गेहूँ सब यहाँ नाले में गिर जाता है अधिकतर, और चोटें भी लगती हैं आवाम के, पब्लिक के चोटें लगती हैं। और हम लोग भी आपस के उन्हें संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं।